नमस्ते किसान दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन चौधरी। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल किसान ट्यूबर पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि 10 बकरी पालन के बारे में। यानी आप 10 बकरी अगर पालते हो तो उससे आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना प्रॉफिट आएगा साल भर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं कोई पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ये दोस्तों एक बकरी पालन अगर स्टार्ट करोगे आप, एवरेज कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, तो उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप लोग एक गोट फार्मिंग करना चाहते हो, गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको जरूर एक अच्छा ब्रीड के साथ जाना चाहिए। एक अच्छा ब्रीड जो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन कर रहा है, ऐसे ब्रीड के साथ ही जाना चाहिए। और कोशिश करना है कि दोस्तों आपके जो लोकल जो ब्रीड है उसके साथ जाओ, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो बहुत सारे दिक्कत आता है। ब्रीड्स अगर बाहर का ब्रीड्स लेके आते हो तो आपका आपको जो है मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता होता है, दवा के बारे में नहीं पता होता है, तो उस दौरान जो है मॉर्टेलिटी हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग करोगे एक लोकल ब्रीड के साथ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो अपने एरिया में रेसिस्टेंट रहेगा, ज़्यादा बीमारी नहीं आएगा, और उससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। और एक बात, जब भी आप इस काम में आओ, कोशिश करना है कि जो है बकरी लेके स्टार्ट करें, यानी जो फीमेल बकरियाँ होती है वो सबको खरीद के ला के स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे करते हैं कि जो बच्चा होता है वो ला के पाल के बड़ा करके फिर बेचते हैं, तो इसमें दोस्तों लॉस है। अगर आप बकरी पालते हो, बकरी लेके आते हो, फिर फार्म में रख के उसको ब्रीडिंग करवा के बच्चा तैयार करते हो, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है और बच्चा जो है इसमें मॉर्टेलिटी होने का भी चांसेस कम होता है। और दोस्तों, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो बकरी आप खरीद के लाओगे वो मैच्योर बकरी होना चाहिए, यानी ऑलरेडी एक बार बच्चा दे चुकी है वैसा बकरी आपको फार्म में लेके आना है, प्रेग्नेंट बकरी लेके आना है फार्म में। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर ऐसा बकरी लेके आते हो जो एक बार भी बच्चा नहीं दी है आपके फार्म में, वो पहला बच्चा देगी, तो उस दौरान आपको एक ही बच्चा मिलने का ज़्यादा चांसेस होगा उस बकरी से। अगर दोस्तों एक मैच्योर लेके आओगे, यानी एक बार ऑलरेडी बच्चा दे चुकी है फिर वो प्रेग्नेंट है, यानी वो नेक्स्ट टाइम दूसरी बार बच्चा देगी, तो वैसा बकरी अगर खरीद के लेके आओगे तो आपके फार्म में जब वो बच्चा देगी तो वो मैक्सिमम बच्चा देने का चांसेस होता है। यानी अगर वो ब्रीड दो बच्चा देने वाली है तो वो आपके फार्म में दो बच्चा देगी। तो 10 गोट फार्मिंग यानी 10 बकरी पालन के लिए सबसे पहले आपको 10 फीमेल गोट्स खरीद के लाना होगा, और दोस्तों उसके साथ एक मेल गोट्स यानी जो ब्रीडर होगा वो खरीद के लाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गोट्स के प्राइस के बारे में, यानी जो बकरी होगी फीमेल गोट्स उसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें एवरेज प्राइस के बारे में, एक गोट्स आपको कितना तक पड़ जाएगा, तो दोस्तों आपको 9000 तक एक गोट्स आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से अगर अच्छा क्वालिटी का अगर मंगवाते हो तो 9000 तक जो है गोट्स आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों बात करें 10 गोट्स के बारे में, तो आपको 9000 × 10 यानी 90000 का जो है गोट्स का पड़ जाएगा। फिर दोस्तों जो बकरा लोगे या फीमेल जो मेल गोट्स लोगे यानी जो ब्रीडर होगा, वो दोस्तों एक अगर आप खरीदते हो तो उसका कीमत एवरेज अगर बात करें तो 15000 तक आ जाएगा। तो टोटल अगर बात करें मेल और फीमेल मिला के आपको कितना खर्चा आ जाएगा, तो दोस्तों 1,05,000 का आपको बकरी फार्म में लाना पड़ेगा मेल और फीमेल मिला के। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन आगे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कोई भी कैलकुलेशन में नहीं जुड़ा जाता है। मैं इधर से बात करूँगा कि अगर आप 10 पालन करते हो बकरियाँ, तो उससे आपको साल भर में कितना प्रॉफिट आने वाला है, तो हम लोग इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो आपको खर्चा आएगा वो आएगा कि बकरी अगर 10 पाल रहे हो तो उसके लिए जो है आपको दाना चारा खिलाने के लिए आपको बर्तन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप 10 बकरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है दाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, तो वो दोस्तों आपका 5000 तक आ जाएगा 10 बकरी के लिए। तो दोस्तों इधर मैं 5000 का जो है इंस्ट्रूमेंट का खर्चा जोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट दोस्तों जिसमें खर्चा आएगा वो है दोस्तों फीडिंग में, यानी जो बकरी को आप खाना खिलाओगे, दाना खिलाओगे वो। दोस्तों तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बकरी को क्या खिलाना चाहते हो, क्या पिलाना चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक एवरेज बात करेंगे कि एक बकरी को एक दिन में कितना का दाना खिलाना पड़ेगा, तो दोस्तों वो लगभग आपको 10 रुपया तक, एक एवरेज अगर बात करें 10 रुपया एक दिन में एक बकरी दाना और चारा खा लेगी। ये दोस्तों ये जो कॉस्ट है आप कम भी कर सकते हो। जैसे गांव में हम लोग देखे हैं कि जो बकरियां होती हैं उसको हरा चारा, फिर दोस्तों पेड़ का पत्ता, ये सब खिला के भी बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक बकरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो दाने में।
दोस्तों अगर बात करें कि एक बकरी एक दिन में 10 रुपया खाना खा रही है, तो दोस्तों हमारे पास जो 11 बकरी है वो दोस्तों एक दिन में 110 का खाना खा रही है। तो दोस्तों जो मंथली हो रहा है वो 3,300 का खाना खा रहा है, और दोस्तों जो ईयरली अगर बात करें तो 39,600 यानी 39,600 का अप्रोक्स बात करते हैं 40,000 का यानी 40,000 का खाना 11 बकरी यानी 10 फीमेल और एक मेल मिला के 40,000 का खाना साल भर में खा रही है। अब दोस्तों जो हमारे पास बकरी है, एक बकरी दोस्तों साल में आपको दो दो करके दो बार बच्चा दे देगी। तो दोस्तों साल में एक बकरी से हमारे पास 4 बच्चा मिल रहा है हमको, तो दोस्तों हमारे पास 10 बकरी है तो 10 × 4 यानी 40 बच्चा आपको साल भर में 10 बकरी से मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें इसकी फीडिंग के बारे में, जो बच्चा होगा उसको हम लोग क्या खिलाएं, तो जैसे आप लोगों को पता होगा जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर 2.5 महीना 3 महीना तक जो है वो दूध पी के ही बड़ा होता है, लेकिन उस दौरान भी वो थोड़ा थोड़ा दाना चारा खाते रहता है। तो अगर हम लोग एवरेज बात करेंगे कि एक बच्चे पे आपको दिन में कितना खर्चा आएगा खाने में, तो दोस्तों एक बच्चे में आपको दिन में 5 रुपया तक एवरेज बात करें तो 5 रुपया का फीड वो खा लेगा। तो हमारे पास कितना बच्चा है, 40, जिनमें से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि 5 बच्चा मर गया तो हमारे पास बच्चा कितना 35, तो 35 × 5 अगर बात करें तो 175 रुपया का दाना एक दिन में 35 बच्चा खा लेगा। अब दोस्तों मंथली अगर बात करें तो 5,250 का दाना खाएगा, और दोस्तों 6 मंथ में बात करें, क्योंकि 6 मंथ में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब 6 मंथ का हो जाएगा दोस्तों, पहला 6 मंथ जो बच्चा होगा वो 6 मंथ में आप बेच दोगे, फिर नेक्स्ट जो बच्चा होगा वो 6 मंथ में आप बेच दोगे, आप ज़्यादा भी रख सकते हो लेकिन हम लोग यहाँ 6 मंथ का ही बात करेंगे। तो 6 मंथ पे जो बच्चा जो दाना खाएगा वो 5,250 × 6 यानी 31,500 31,500 का दाना खा लेगा। अब दोस्तों लास्ट में जो चीज़ खर्चा आएगा जिस चीज़ के ऊपर, वो है दोस्तों मेडिसिन, वैक्सीन एंड मेडिसिन में खर्चा आएगा। तो दोस्तों जब आप एक साथ बहुत सारा बकरी रखते हो तो उस दौरान जो है बकरी, कोई ना कोई बकरी बीमार हो जाता है और दोस्तों उन लोगों को वैक्सीनेशन भी करना पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक एवरेज बात करेंगे तो साल में दोस्तों आपको ये 15,000 रुपया तक खर्चा आ जाएगा। अब हम लोग सारे जो भी इन्वेस्टमेंट आया, खर्चा आया, उसको हम लोग सबको जोड़ लेंगे और देखेंगे कि टोटल कितना खर्चा आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा खर्चा आया था वो आया था गोट्स खरीदने में, जो कि 1,05,000 का खर्चा आया था। तो मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में कि ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लोग इधर ऐड नहीं करेंगे, इसको हम लोग साइड करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो खर्चा आया था इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, वो दोस्तों आया था 5,000। फिर दोस्तों आया था हमारा फीडिंग में, जो कि बकरी और छोटे बकरी और बड़े बकरी जो है बकरी वगैरह सारे को खिलाने में 71,500 का खर्चा आया था। फिर लास्ट में दोस्तों मेडिसिन में साल भर में 15,000 का खर्चा आ गया था। तो अब अगर इसको टोटल करके देखा जाए तो 91,500 का खर्चा आ रहा है, जो कि हमारा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम लोग इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा देख लेते हैं हम लोग के पास कितना बकरी, मतलब जो बच्चा आया था वो कितना आया था, 40 आया था, जिनमें से दोस्तों हम लोग 5 का मॉर्टेलिटी मान लिए थे, तो हमारे पास कितना बचा 35। तो इसी 35 में से हम लोग मान लेते हैं कि 10 जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा और 25 जो होगा वो मेल होगा। तो अब अगर हम लोग बकरी बेचते हैं, सबसे पहले हम लोग बकरी से बात करते हैं जो फीमेल है, 10 फीमेल इससे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग एवरेज बात करें, एक फीमेल अगर आप बेचते हो मार्केट में 6 महीने के बाद, तो दोस्तों एक फीमेल से आपको 5,000 रुपया बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर दोस्तों इससे आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप इसको थोड़े दिन रख के यानी प्रेग्नेंट करके फिर अगर आप इसको बेचोगे मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग एवरेज बात करते हैं 5,000 करके, तो हमारे पास कितना बकरी था दोस्तों 10, तो 10 × 5,000 यानी 50,000 जो है बकरी बेच के, यानी 10 बकरी बेच के 50,000 रुपया आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जो मेल बचा था वो, तो दोस्तों हमारे पास कितना मेल बचा था 25, तो 25 को दोस्तों अगर आप 6 मंथ के बाद बेचते हो तो एक बकरा जो होगा आपका 15 किलो तक एवरेज वेट गेन कर लेगा। तो दोस्तों मार्केट में अगर आप इसको 400 से लेकर 450 रुपया पर किलो के हिसाब से भी बेचते हो तो दोस्तों आपको एक बकरा से जो है 6,500 रुपया का मिल रहा है, 6,500 रुपया पैसा मिल रहा है। दोस्तों हमारे पास कितना बच्चा है 25, तो 25 × 6,500 यानी 1,50,000 रुपया आपको जो है 25 बकरा बेच के पैसा आ रहा है। तो अब दोस्तों जो 35 बच्चा हम लोग बेचे, तो इनमें हमारे पास जो बकरी से पैसा आया वो आया 50,000 और जो बकरा था दोस्तों 25 उनमें से आया 1,50,000 रुपया, तो यानी टोटल जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 2,00,000। तो दोस्तों ये 2,00,000 रुपया हमारा प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों इसका प्रॉफिट कब निकल के आएगा, जब हम लोग इसको दोस्तों जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया था 91,500 का उसके साथ माइनस करेंगे इसको।
जो प्रोडक्ट जो 2 लाख रुपया है। तो दोस्तों 2 लाख रुपया माइनस 91,500, यानी जो पैसा हमारे पास बच रहा है वो 1,08,500। दोस्तों ये हमारा नेट प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ जो है 10 बकरी से आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, इससे एक और जरिया है पैसा कमाने का, वो है दोस्तों मिल्क बेच के, इसका जो दूध होगा वो बेच के। तो अगर आप इसका मिल्क बेचते हो तो एक बकरी एक दिन में 1 लीटर तक दूध दे देगी, तो आपके पास कितना बकरी है, 10 × 1 लीटर, यानी आपको दिन में 10 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है। आप अगर बात करें महीने में तो 300 लीटर का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर दोस्तों बात करें एक साल में, 5 महीना सिर्फ अगर आप इससे दूध लेते हो तो 5 महीना में जो है आपको 1500 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में। तो अगर इसका आप दूध 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी बेचते हो तो टोटल 1500 लीटर इंटू 25, यानी 37,500 का जो है आप मिल्क से सिर्फ कमा सकते हो साल भर में। अब अगर 1,08,500 के साथ, यानी जो नेट प्रॉफिट आया था 1,08,500 के साथ मिल्क का जो आया 37,500, आपस में अगर जोड़ दिया जाए दोस्तों तो 1,45,500 का जो है साल भर में आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोस्तों बात करें मंथली वाइज तो दोस्तों 12,125 हम लोग मान लेते हैं, 12,000 पर मंथ आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 बकरी पालन करके। तो दोस्तों बस ये था एक एवरेज कैलकुलेशन, आपके एरिया के हिसाब से, आपके ब्रीड के हिसाब से हो सकता है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और दोस्तों अगर मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।